सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मेरा ब्लॉग लगभग बज रहे होंगे 12 और हो गया है शुरू और मैं कहीं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चलेगा। बस ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि मैं बहुत वैसे जा रहे हैं, बस देखने जा रहे हैं किसी को और किसको देखने जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलेगा कि मैं किसको देखने जा रही हूँ। और बस निकलने वाले थे हम तो हम सोचे चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया जाए। वैसे ना 5 दिन हो गया मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया। ब्लॉग क्यों नहीं गया ये भी रीज़न है कि फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल, यहाँ देख सकते हो आप सब, यहाँ यहाँ आँखों पे था तो ये ना बहुत दर्द कर रहा था तो इसकी वजह से फ़ोन चलाना थोड़ा प्रॉब्लम था। बस इसीलिए कुछ भी नहीं गया है तो ये जाएगा। तो इसको आप खूब सारा प्यार देना और खूब सारा सपोर्ट करना तो हो सकता है आज नहीं तो कल जाएगा, ये आज का है तो कल जाएगा। तो आप सब खूब सारा प्यार देना, खूब सारा सपोर्ट करना और आप सब इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और कहाँ चल रहे हैं दिखाएँगे आप लोगों को। और ये हाँ ये रिंग लाइट हम मंगवाए थे, हो गए लगभग 1 मंथ हो गया बट आप लोगों को दिखाए नहीं थे ये, मतलब वैसे ज़्यादा रील भी नहीं बनाए हैं, 2 से 3 रील्स पे बनाए हैं क्योंकि वैसे मैं रील इस मंथ में बनाई ही नहीं हूँ, जो पुराना था बस वही वही डाल दिए हैं। और बस ये वाला मंगवाए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि कैसा है। और लगभग 1 मंथ हो गए लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं थे, ऐसा हुआ ना कि वीडियो बना पड़ा है बस एडिट करके डाले नहीं हैं तो हो सकता है इसी में मैं ऐड कर दूँ, तो हो सकता है इसी में मैं ऐड कर दूँ और आप सब ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, तो हम पहुँच गए हैं लगभग 12:30 बजे तक बट मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि किसी को देखने आए हैं उनकी तबीयत ख़राब है तो ऐसे फ़ोन उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। तो बस ये हो गया था शाम और पूरा दिन बस चाची के पास थे क्योंकि मेरी चाची हैं, बस उन्हीं का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो उन्हीं को देखने आए थे तो बस उन्हीं के पास बैठे थे। अभी हो गया है शाम, लगभग बज रहे होंगे 7:30 या 8 बज रहे होंगे और मानस का मन नहीं लग रहा था, बोल रहा था मम्मा घर पे चलो घर पे चलो, बस इसीलिए इसको फुटबॉल दे दिए थी मौसी, बस वही खेल रहा था। और ऐसा होता है ना कि बच्चों का सिर्फ अपने घर पे ही मन लगता है तो इसीलिए बस ये बार बार बोल रहा था मम्मा घर पे चलो। और मुझे देखो बस अभी लेटे थे और अभी जस्ट उठ के आए हैं, तो ऐसा होता ना मायके में रहो तो टाइम का पता भी नहीं चलता है और कट भी जाता है पूरा टाइम। और अभी लेटे थे तो देख सकते हो फेस से मेरे कैसे लग रहा है और पिंपल की वजह से ना सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत बड़ा बड़ा निकला भी है, थोड़ा कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मत्थे पे देख सकते हो आप सब बहुत बड़ा बड़ा निकला था। और यहाँ बस मौसी बनाने लगी थी खाना क्योंकि चाची की तबीयत खराब तो वो थोड़ा बहुत रेडी कर दी थी, तो दोपहर में हम लोग बहुत लेट में खाए थे, लगभग 2 बजे तक खाना खाए थे तो बस इसलिए थोड़ा बहुत खाने का मन नहीं था, थोड़ा थोड़ा खाना था सबको तो बन रहा था तहड़ी जो कि मेरा है फेवरेट। तो यहाँ पूरा सब्जी जो भी था और पनीर और ये सब पूरा कट करके चाची दे दी थी, बस मौसी बनाने जा रही थी और यहाँ बस इनका कहना फिर से हो गया था मम्मा घर पे चलो मम्मा घर पे चलो, देख सकते हो फेस से भी लग रहा है, बस हमेशा बस एक ही जिद रहती है कहीं भी जाता है एक मतलब लखाई छोड़ के मेरे मम्मी के पास छोड़ के और कहीं भी जाते हैं ना तो इसका मन नहीं लगता है। और ये चाचा ना मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं बस 1 किलोमीटर दूरी पे ही रहते हैं तो इसीलिए यहाँ आना जाना होता रहता है। और यहाँ बस बच्चे नहीं हैं ना तो मतलब जो भी हैं सब बड़े बड़े हो गए हैं तो बस मानस का इसीलिए मन नहीं लगता है। और यहाँ बस मौसी बना रही थी खाना बट उनका मैं कोई क्लिप नहीं ली थी क्योंकि पता नहीं कोई व्लॉग में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, वैसे मतलब उन लोगों के सामने ही मैं व्लॉगिंग कर रही थी लेकिन उन लोगों को पता भी था तो मैं मतलब हम पूछे भी नहीं बट उन लोगों का मैं कुछ भी सूट नहीं की। और यहाँ बस हम लोग बैठ के कर रहे थे बातें भी और क्योंकि जहाँ मतलब सब लोग रहे हैं हम लोग और गप सप ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता। और यहाँ फेस से भी लग रहा होगा आप लोगों को कि मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि इतना पता नहीं किस बात का मतलब जैसे टेंशन सा भी था और थोड़ा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बस इसीलिए थोड़ा स्माइल भी चेहरे से गायब था। और यहाँ मानस किचन में ही खेलना शुरू हो गया था
तो वो मई के रहो ना, तो मतलब थोड़ा टेंशन फ्री भी रहो, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का इतना ज़्यादा टेंशन, मतलब अपने मन में टेंशन भी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर से भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ सैड सैड से थे हम, और पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान है, सच में बहुत बड़े बड़े निकल आए हैं। और यहाँ बस चाचा भी आ गए थे, तो मानस और चाचा और चाची और मानस सभी लोग साथ में खेल रहे थे, क्योंकि मानस अकेले खेल नहीं रहा था हॉल में, तो बस उनके साथ में सभी लोग फुल मस्ती में थे। और बस उस साइड जो दिख रहा है किचन, उसमें बड़ी मम्मी खाना बनाती हैं, तो बस दोनों लोगों का साइड मतलब किचन अलग अलग है। और यहाँ बस मेरा फेवरेट डिश बन रहा था तहरी, जो कि चाची को पता है कि लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इसीलिए चाची बना रही थी। पूरा खाना रख दो कुछ भी हो, तो अगर मुझे तहरी मिल जाए ना, तो मैं तहरी ही खाऊंगी। और यहाँ बस मानस खेल रहा था, तो इसको खेल मतलब खेल में बस इसीलिए मतलब थोड़ा मस्त किए थे सभी लोग कि बस जाना भूल जाए, लेकिन भूल ही नहीं रहा था। जैसे कुछ हो ना, मम्मा घर पे चलो, मम्मा घर पे चलो, तुरंत बस यही ज़िद था। और इसको लेके भी नहीं जाने वाले थे, लेकिन चाचा ज़िद करके बोल दिए कि नहीं लेके चलो, क्योंकि चाचा लेने गए थे ना, तो बस मानस को हम रेडी नहीं किए थे, लेकिन चाचा बोले नहीं हम बैठे हैं, मानस को रेडी करो और लेके चलो। तो बस यहाँ मैं किचन से थोड़ा बाहर आ गई थी, क्योंकि यहाँ बस रो रहा था मानस, तो उसके साथ में खेलना था, तो हम माँ बेटे दोनों लोग साथ में खेलने लगे थे। और किसी तरीके से मायके रुक ना मिले ना, तो मतलब कुछ भी करना पड़े, क्यों ना खेलना, कुछ भी करना पड़े, बस मायके रुक ना मिले, क्योंकि मतलब ससुराल ऐसा नहीं कि कैद है, लेकिन मई का ही रहेगा। तो यहाँ बस खाना बन के हो गया था रेडी, और बस हम खा के और निकल लेंगे इसी टाइम। तो यहाँ बस उसका फेवरेट डिश मिल गया था, तो यहाँ बस समोसे और फ्रूटी में लगा था, और बस इस पे घोड़े पे बैठ के आराम से, और मतलब बस फुल मस्ती में था, और मतलब सॉरी गधा है। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और यहाँ ये पिंपल ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, सबसे जो बड़ा वाला है मत्थे पे, तो दादी बता रही कुछ घरेलू नुस्खे बता रही थी, तो बोल रहे थे कि नहीं दादी दवा खाए हैं। तो ये मेरी छोटी दादी हैं, बड़ी वाली दादी मेरी एक्सपायर हो गई हैं, तो ये छोटी वाली दादी हैं। और यहाँ हम और दादी बैठ के दोनों लोग कर रहे थे बातें, और बस खाना खाने ही जा रहे थे, खाना खा के और तुरंत जस्ट चाय पिए और चाय पी के बस निकलने वाले थे। हाँ, बस चाची वाले रूम में हम आ गए थे, क्योंकि चाची यहीं थी, तो दोनों लोग बैठे थे और बस यहाँ थोड़ा लेट भी गए थे। तो ये है मेरी छोटी वाली चाची का रूम, और अभी बस निकलने वाले हैं, बज रहा होगा सब लगभग 10, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दूरी पे है नहीं, 1 किलोमीटर दूरी पे बस चले जाएंगे। और तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे, और अभी बज रहे हैं 10, क्योंकि आते आते काफ़ी लेट हो गया था, और अभी बज रहे हैं 10, और मेरे लाला अभी सो गए हैं, और सभी लोग अभी खाना नहीं खाए हैं। तो अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप सब ब्लॉग फुल वॉच करिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।